विकास के लिए प्रदूषण और कुपोषण को समाप्त करने के लिए नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए बेरोजगारी को रोजगार प्राप्त हो इसके लिए पृथक विदर्भ राज्य होना जरूरी है। इसी मांग को लेकर आज क्रांति दिन के अवसर पर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा लॉन्ग मार्च व धरने का आंदोलन किया गया। बीते कई सालों से विदर्भ राज्य आंदोलन समिति पृथक विदर्भ राज्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन कई सरकारें आई और गई, पृथक विदर्भ की मांग पूरी नहीं हुई। अब स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए विदर्भ निर्मिति मिशन 2023 के तहत आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा शहर के वैरायटी चौक से संविधान चौक तक लॉन्ग मार्च निकाला गया, साथ ही धरना आंदोलन भी किया गया। इस लॉन्ग मार्च और धरना आंदोलन के जरिए विविध मांगे रखी गई, जिसमें केंद्र सरकार को तुरंत विदर्भ को एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहिए, राज्य सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेना चाहिए, खाद्यान्न पर GST को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए, विदर्भ में बाढ़, भारी बारिश और बादल फटने से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए 75,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की तत्काल सहायता की घोषणा भी की जानी चाहिए। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने मिशन 2023 के अंतर्गत ये प्रोग्राम, ये आंदोलन अनाउंस किया है। आज सही में क्रांति दिन है। 9 अगस्त को गांधी जी ने गोरे अंग्रेजों को बोला था, भारत छोड़ो चले जाओ, क्विट इंडिया, और भारत के मूल निवासियों को बोला था करो या मरो, और अरुणा आसफ अली को बोला था कि भाई आप छेड़ा फड़काओ। विदर्भ राज आंदोलन समिति के पिछले 10 साल से आंदोलन चला रही है, पृथक विदर्भ राज मिलाना ये इनका लक्ष्य है, और इस सिलसिले में 117 साल की पुरानी यह जंग खत्म करने के लिए आज 9 अगस्त को हम यहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे संविधान चौक तक। मांग है पृथक विदर्भ राज किसी भी हालत में केंद्र सरकार तत्काल निर्माण करो। दूसरा है कि अभी बरसात है, ढकफुटी हुई है, फ्लड आया है, तो इससे किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, तो 75,000 रुपये हेक्टर से ये नए सरकार ने मदद देनी चाहिए। बिजली का जो 20% दाम बढ़ाया है वो तुरंत वापस लेना चाहिए, और जो भी खेती उपज है उस पर जो GST लगाई है वो तुरंत वापस लिया जाए, इस सिलसिले में का ये आंदोलन है। और हम किसी भी हालत में 2023 के पहले विदर्भ राज का निर्माण करके नए जनरेशन के हाथ में ये सत्ता सौंपेंगे, ये हमारी मंशा है। ऐसी कई मांगों को लेकर आज ये आंदोलन किया गया, अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन का इशारा भी इस दौरान दिया गया। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।